हेलो गाइस, बात करने वाले हैं इस वीडियो में दृष्टिधामी के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे, दृष्टि को लेकर लंबे टाइम से खबर सामने आ रही थी। सो फाइनली इस तरह से खबर निकलकर सामने एक बार फिर से आ रही है कि बहुत ही जल्द एंट्री करने वाली है। उनका जो शो है, इतने लंबे टाइम के बाद वो कमबैक करने वाली हैं टीवी पर्दे पर। जी हाँ, उम्मीद तो यही करी जा रही है कि वो टीवी पर्दे का ही उनका न्यू प्रोजेक्ट होने वाला है। फिर देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या होता है। यूँ तो देखा जाए काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लग रहा है, जिस तरीके से वो काफ़ी एक्साइटेड दिख रही हैं। फिलहाल के लिए अभी रिवील कुछ भी नहीं किया गया है, आने वाले टाइम में रिवील होता हुआ नज़र आएगा आपको। लंबे टाइम से इस बात की खबर सामने आ रही थी। सो कहीं ना कहीं अब प्रोजेक्ट को लेकर फर्स्ट प्रोमो या जो भी ट्रेलर होगा वो रिलीज़ होता हुआ आपको दिखेगा। उनके फैंस लगातार बहुत ही लंबे टाइम से डिमांड कर रहे थे, क्योंकि उन्हें काफ़ी टाइम हो चुका है शो से एग्जिट किए हुए, यानी कि टीवी इंडस्ट्री को छोड़े हुए। सो ऐसे में अगर वो टीवी इंडस्ट्री में कमबैक करने वाली हैं तो फ्लैट फैंस के लिए से बड़ी गुड न्यूज़ नहीं हो सकती है। वेब सीरीज़ की तरफ ध्यान दे रही थी और वहाँ पर वो रिलीज़ भी कर रही थी। वेब सीरीज़ हाल ही में उनकी रिलीज़ हुई थी, अच्छा खासा गेन किया, लेकिन बावजूद उसके फैंस को अगर देखना है तो वो डेली शो में देखना चाहते हैं उन्हें। सो देखने वाली बात होगी कि आखिर कमबैक करने वाली हैं अगर डेली शो में तो उनके अपोजिट कौन नज़र आएगा, कौन होगा वो एक्टर जो कि उनके अपोजिट होगा। सो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर देखा जाए विवियन डिशैना की बात करें तो काफ़ी चांसेस हैं एक बार फिर से मधुबाला शो सीजन 2 क्रिएट हो जाए और जहां पर विवियन डिशैना उनके अपोजिट नज़र आ जाए आरके के कैरेक्टर में। खैर, ये तो अभी फ़िलहाल के लिए नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मेकर्स इस बात पर अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं कि मधुबाला शो का सीज़न 2 आएगा या नहीं। लेकिन हाँ, दृष्टि का न्यू प्रोजेक्ट आने वाला है, उनके अपोजिट कौन होगा, शरद मल्होत्रा होंगे, उर्मी चौधरी होंगे, या फिर विवेन डिसेना, या फिर ऐसे कई सारे एक्टर्स हैं जिनके पास प्रोजेक्ट के ऑफर जा सकते हैं। फिलहाल अभी नाम सामने नहीं आया है। आप क्या कहते हैं, क्या है उम्मीद आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दृष्टिधामी यूथ तो अगर देखा जाए तो अपने प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहती हैं और काफ़ी चुनिंदा भी हैं, काफ़ी चूजी हैं। सो लंबे टाइम के बाद कोई प्रोजेक्ट चूज़ किया है, डेफिनेटली काफ़ी इंटरेस्टिंग और डिफरेंट होगा। कितना एक्साइटेड है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।